सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज का जो वीडियो अपना वह स्पेशल फॉर 11th क्लास के लिए मैंने बनाया है। और ये वीडियो अगर कोई स्टूडेंट्स या गार्जियन देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर गार्जियंस देख रहे हैं तो उन सभी को मेरा नमस्कार। और स्टूडेंट्स जो 10th क्लास पास करके आए हैं उन सभी को हार्दिक अभिनंदन और उन सबको शुभकामनाएं 10th क्लास में अच्छे नंबर लाने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक ऐसा समय आया है जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के ऊपर या गार्जियंस के ऊपर क्या होता है, इस समय थोड़ा सा क्या होता है, एक दबाव होता है। इस समय क्या होता है कि दबाव होता है, और उसी के ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करने वाला हूं। जो दबाव है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं, या मान लीजिए कि उस दबाव को थोड़ा सा कम करने वाला हूं। क्योंकि 10th पास करने के पश्चात क्या होता है कि अपने को 11th क्लास में आते समय एक सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है, और वह सब्जेक्ट चुनाव करना एक, यह मान लीजिए कि हमारा काफी दिमागी कार्य माना जाता है, वह हमारे लिए कह सकते हैं चाहे हमारे गार्जियंस के लिए कह सकते हैं, काफी एक डिफिकल्ट वर्क अपन इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो गार्जियंस होते हैं ना, उनका क्या होता है, एक सपना होता है। अधिकतर जो गार्जियंस होते हैं ना, उनका क्या होता है, एक सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी क्या होंगे, साइंस लेंगे, मेरा बेटा या बेटी साइंस लेंगे और आगे जाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। भाई अपने को पता है कि अगर वहां पर साइंस की अगर अपन बात कर रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से जाएंगे, तो मुख्य जो इसके अंदर पैसा माना जाता है वह डॉक्टरी लाइन यानी कि मेडिकल लाइन में माना जाता है। और अगर मैथ सब्जेक्ट का अपन चुनाव करते हैं तो उसमें अगर मुख्य नौकरी पैसा माना जाता है तो वह इंजीनियरिंग लाइन मानी जाती है। तो यह क्या होता है कि लगभग गार्जियन सपना देखते हैं कि उनके बेटा या बेटी सक्सेस हो और इस मुकाम तक पहुंचे। इसके अलावा आजकल इन दोनों को छोड़कर एक मुख्य ब्रांच जो अपने स्कूल में अपन देख रहे हैं, एग्रीकल्चर, जो कि साइंस की एक ब्रांच है, इसके अंदर क्या देखते हैं दोस्तों अपन, इसके अंदर देखते हैं अपन कृषि से संबंधित वर्क। और कृषि से संबंधित वर्क के साथ साथ इसके अंदर आगे जाकर जो जॉब मिलती है वह अन्य जो अपनी ब्रांचेज होती है उनकी तुलना में इसमें जॉब की थोड़ी सी संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर चाहे अपन मान सकते हैं वह सुपरवाइजर मान लीजिए, या अन्य जो कोई भी ऑफिस वगैरह होते हैं उनमें, आजकल अपन कहते हैं कि बैंकों के अंदर भी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, या अन्य डिपार्टमेंट मान लीजिए अपने कृषि क्षेत्र मान लीजिए, उन सब के अंदर अपन कहते हैं कि इनकी आवश्यकता होती है। और अभी वर्तमान को देखते हुए इनकी संख्या क्या है, एग्रीकल्चर की संख्या क्या है, कम है। एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कम है, इसलिए कहा जाता है कि जो भी लोग एग्रीकल्चर लेते हैं वह 99 पॉइंट क्या अपन कह सकते हैं कि 100% क्या होते हैं कि सक्सेस होते हैं। अब सक्सेस का मतलब दोस्तों कभी भी यह नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, सक्सेस का मतलब यह मत समझिए कि गवर्नमेंट जॉब भी सक्सेस होती है। आज अपने इंडिया की अगर अपन बात करें तो 90% जो लोग है वह प्राइवेट जॉब करते हैं, मात्र 10% जो लोग है वह ओनली ऑन अपन मान सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में है। तो यह भी नहीं है कि 90% लोग भूखे मर रहे हैं या उनके पास संसाधन नहीं है जीविका चलाने की, वो भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है दोस्तों, आपको तब तक सैलरी मिलती रहती है जब तक आप वर्क करेंगे, जबकि गवर्नमेंट जॉब में अपन देखते हैं कि वर्क तो करना पड़ता है लेकिन अपने ऊपर उतना लोड नहीं होता जितना प्राइवेट जॉब में होता है। इसलिए ज्यादा इस बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, चाहे वह स्टूडेंट्स हो चाहे गार्जियंस हो, कि कई स्टूडेंट्स या गार्जियन क्या करते हैं, 10th की जो मार्कशीट होती है यानी उसके अंदर जो नंबर आते हैं उनको देखकर सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, उनको देखते हुए सब्जेक्ट का चुनाव किया जाता है। तो मैं उन स्टूडेंट से या उन गार्जियन से एक ही बात कहना चाहूंगा कि कभी भी सब्जेक्ट का जो चुनाव होता है ना वो अपने परसेंटेज या नंबर को देखकर नहीं करना चाहिए। हमेशा वह सब्जेक्ट चुनिए जिसके अंदर आपको पढ़ने में मजा आता है, आपकी रुचि होती है,
इंटरेस्ट होता है वह सब्जेक्ट का चुनाव अपने को करना चाहिए। यह बिल्कुल भी सही नहीं कह सकते कि जिसके 50% नंबर है कि वह साइंस नहीं ले सकता, ऐसा कहना उचित नहीं है। आज के जमाने में मैं कहता हूं 50% वाला भी साइंस ले सकता है और वह भी 12th क्लास में जाकर 90% अबव बना सकता है, वह डिपेंड करता है उस बच्चे की मेहनत के ऊपर। और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसने 10th क्लास में 80% प्राप्त कर लिए हैं वह साइंस में जाकर सक्सेस हो। वह सक्सेस होगा जब उसकी जो अपन मान रहे हैं उसकी मेहनत है वह लगातार बनी रहेगी, तभी अपन कहेंगे कि वह आगे जाकर क्या होगा, सक्सेस होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा जो गार्जियन है उनसे कि बच्चे को जो सब्जेक्ट में रुचि होती है आप उसे वह सब्जेक्ट दिलाइए, चाहे वह साइंस हो, चाहे वह आर्ट्स हो, या चाहे वह कॉमर्स हो। या बच्चा अगर साइंस में आ रहा है तो साइंस में चाहे वह बायोलॉजी ले, चाहे मैथ्स ले, चाहे एग्रीकल्चर ले, जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि होती है वह उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि रुचि वाला कार्य करने में काफी मजा आता है और बच्चा जो मजे के साथ जो कार्य करता है उसमें सफलता जो होती है वह जरूर मिलती है। बच्चों के ऊपर कोई भी डिसीजन थोपना नहीं है, उनके साथ में जबरदस्ती मत कीजिए नहीं आपको यहाँ पर साइंस मैथ ही पढ़नी है, साइंस बायोलॉजी पढ़नी है, एग्रीकल्चर पढ़नी है। अगर बच्चे की रुचि नहीं है तो उस सब्जेक्ट को बच्चे को जबरदस्ती दिलाने में कोई मतलब नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा अपवाद स्वरूप के सपने को देखने को मिलता है, गार्जियंस कहते हैं कि हमारे बच्चे तो क्या है जी अभी इनके अंदर समझ नहीं है, 10th क्लास के अंदर है अभी, 15-16 एज है तो यह क्या है इनके अंदर समझ नहीं है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी इसलिए अभी डिसीजन तो हमें ही लेना है। बिल्कुल सही बात है जी, डिसीजन आपको लेना है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप डिसीजन लेने से पहले कैसे भी प्रकार से यह चेक कीजिए कि आपके बच्चे की रुचि जो है कौन से सब्जेक्ट में, उस रुचि को आप पता कैसे करें। तो उस रुचि को पता करने के लिए आप देखिए कि आर्ट के जो सब्जेक्ट है उसमें बच्चा कितनी रुचि ले रहा है, 10th क्लास तक वह पढ़ा है तो उसमें उसकी कितनी रुचि है, चाहे वह हिस्ट्री पढ़ रहा है, पॉलिटिकल, जो भी उसने सामाजिक में पढ़ा है उसमें रुचि कितनी है, या अकाउंटेंसी कॉमर्स से संबंधित उसकी कितनी रुचि है, व्यवसाय से संबंधित उसकी क्या राय है, या साइंस में मैथ्स में कैसी रुचि है, बायोलॉजी में कैसी रुचि है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या रुचि है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे पर वहां पर सब्जेक्ट के लिए चुनाव कर सकते हैं। कई बार बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं यहाँ पर आर्ट लू, साइंस लू, कॉमर्स लू, या साइंस की कौन सी ब्रांच का चुनाव करूं। तो वहां पर गार्जियंस का जो पर मान सकते हैं कि सर्वमान्य निर्णय माना जाता है। तो गार्जियन से यही कहूंगा बच्चे की रुचि को ध्यान में रखिए और साथ में बच्चे को प्रत्येक सब्जेक्ट के जो आगे चलकर पर मान सकते हैं क्या स्कोप है वह बच्चे को जरूर बताने चाहिए, इस समय बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो ये अपन मान सकते हैं कि इनको देखकर सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यह स्पेशल फॉर साइंस स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, और मैं जैसे कि बायोलॉजी पढ़ाता हूँ आपको पता है, तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी और साइंस बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर क्लास चालू कर रहा हूँ। तो आज की जो क्लास है वह चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो चाहे एग्रीकल्चर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए क्या है, एक कॉमन क्लास होने वाली है। दोनों के लिए अपन अगर देखें तो एक कॉमन क्लास है, क्योंकि बायोलॉजी में अपन क्या करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन वगैरह किया जाता है, और एग्रीकल्चर जो बायोलॉजी होती है उसमें अपन क्या करते हैं कि जीव जंतुओं के साथ साथ जो कृषि संबंधित कार्य होते हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो उन सब के बारे में आज अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। अपने क्लास जो है वह 11th क्लास है और अपना जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वह क्या है, बायोलॉजी है। अपना जो सब्जेक्ट है वह क्या है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है। अब यह है आज का जो टॉपिक है वह अपन कहेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए भी है, तो जो एजी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं मानूंगा कि यह टॉपिक है उतना ही मायने रखता है। बायोलॉजी और एजी बायोलॉजी में फर्क यह है स्टूडेंट्स, ओनली यह फर्क अपने को देखने को मिलता है। बायोलॉजी यानी कि जो अपन कहेंगे जीव विज्ञान, और एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, कृषि से संबंधित, यानी कृषि विज्ञान कहते हैं। तो यह क्या हो जाती है अपनी कृषि जीव विज्ञान के नाम से अपन इसे
जानते हैं। तो वैसे देखा जाए तो दोनों सब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न होते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान में अगर अपन देखें तो जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, कृषि जीव विज्ञान की अगर बात करें तो उसमें जीव जंतुओं के साथ साथ में अपन क्या करते हैं, कृषि वगैरह का अध्ययन किया जाता है, खेत वगैरह का अध्ययन किया जाता है, फसलों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का, कीटों का, उन सब का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वह सारा का सारा अध्ययन अपने किस में होता है, बायोलॉजी के अंतर्गत भी होता है, क्योंकि वहां पर अपनी एक शाखा चलती है बॉटनी, जिसे अपन क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। और उस वनस्पति विज्ञान में अपन क्या करते हैं, पेड़ पौधों वगैरह का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से एक ब्रांच और चलती है अपने पैथोलॉजी, उसमें अपन क्या करते हैं, रोग विज्ञान के नाम से इसे जानते हैं। इसमें रोगों वगैरह का अध्ययन किया जाता है, वह रोग अगर अपन वनस्पति का अध्ययन कर रहे हैं तो वनस्पति से, या जीव जंतुओं का अध्ययन भी इसमें होता है, जीव जंतुओं के जो रोग वगैरह होते हैं उन सबका अध्ययन होता है। तो देखिए आज की क्लास से चालू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बता दिया, क्लास जो है बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं यहां पर कोई चैप्टर विशेष क्लास नहीं ले रहा हूं, चैप्टर विशेष क्लास नहीं है। आज की क्लास केवल और केवल आपको जनरल जो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का, उसके लिए ली जा रही है। तो सबसे पहले तो बायोलॉजी एक ब्रांच मानी जाती है, किसकी ब्रांच है, अपन पढ़ते हैं साइंस, आप लोग 10th क्लास तक साइंस पढ़ते हुए आए हो ना, उसी में से अपन मानते हैं साइंस की एक ब्रांच मानी जाती है अपने बायोलॉजी। तो साइंस अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मल ज्यादा तो नहीं लेकिन लगभग 6, 7, 8, 9, 10 पांच साल आप साइंस पढ़ते हुए आए, और एक छोटी सी परिभाषा पढ़ते हैं कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन या प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान अध्ययन जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, साइंस या विज्ञान के नाम से जानते हैं। प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन करना साइंस से कहलाता है। अब जो ये साइंस शब्द है, ये अगर अपन देखें तो एक साइंटिया जो शब्द आता है उससे निर्मित माना गया है, साइंटिया शब्द से निर्मित माना गया है, और जिसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार का अपन कहते हैं जानना होता है, जिसका मतलब क्या होता है, जानना होता है, यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में जानना ही क्या है, साइंस है। या नॉर्मल भाषा में अपन कहते हैं कि साइंस के अंदर पहले प्रयोग किया जाता है फिर विश्वास किया जाता है, यानी कि पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। जैसे कि एक एड भी आता है अपने वॉशिंग पाउडर का, शायद निर्मा का आता होगा, उसमें कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो उसी प्रकार से अपन कहते हैं कि जो अपने साइंस सब्जेक्ट है उसका मतलब यह होता है प्रैक्टिकली सब्जेक्ट, कोई भी कार्य होता है उस पर पहले प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है और फिर उस पर क्या किया जाता है, विश्वास किया जाता है। तो यहां पर अपन कहते हैं जो साइंस शब्द है उसकी तीन मुख्य ब्रांच अपने को देखने को मिलती है, जैसे फर्स्ट अपन कहते हैं फिजिक्स, दूसरी आती है अपने केमिस्ट्री, और थर्ड जो आती है वह आती है अपने बायोलॉजी। ये तीन ब्रांचों का अध्ययन अपन मुख्य रूप से इसके अंदर करते हैं, तीन मुख्य ब्रांच साइंस की मानी जाती है। फिजिक्स भी आपने 10th क्लास में पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, और बायोलॉजी भी पढ़ी है, इन्हीं को पढ़ते हुए आ रहे हैं 6 से 10 तक। तो देखिए ज्यादा न बताते हुए थोड़ी बहुत आपको जानकारी देना चाहूंगा, फिजिक्स यानी कि अपन उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिजिक्स को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान के नाम से अपने जानते हैं। और जो केमिस्ट्री होती है उसे अपन क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। और जो बायोलॉजी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये तीन मुख्य ब्रांच अपने को देखने को मिलती है। अब फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स से क्या होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबको पता है। तो फिजिक्स अपन कह सकते हैं कोई भी द्रव्य, ऊर्जा या परस्पर क्रियाओं का अगर अपन अध्ययन करना हो तो वह शाखा कौन सी कहलाती है, वह भौतिक विज्ञान या फिजिक्स से कहलाती है। यानी कि कोई भी द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ कह सकते हैं, कोई भी ऊर्जा या अपन कोई भी परस्पर क्रियाएं वगैरह होती है उनका अध्ययन अगर करना हो अपने को तो वह सारा किसके अंतर्गत करते हैं,
फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि जीवन के जितने भी जो सच्चाई है उन सब का अध्ययन अगर अपन करें तो इसी के अंदर किया जाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि तारों का चमकना यह क्या है, एक प्रकार की फिजिक्स है। गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है, न्यूटन की गति के जो नियम है, वह सारे के सारे क्या है, फिजिक्स से मानी जाती है। जिसमें अपन मान सकते हैं जो सार्थकता को सिद्ध करता है वह क्या होता है, फिजिक्स से होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के बारे में अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर मुख्य रूप से जो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायन वगैरह का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ इसकी मुख्य ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। तो रसायन जो अध्ययन होता है वह अपन माने किसके अंदर होता है, केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। जीवन में जितने भी जो रासायनिक क्रियाएं वगैरह होती है उनका अध्ययन देख लीजिए, वह भी केमिस्ट्री के अंदर। जैसे 10th क्लास में आप पढ़ते हुए आए हो रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोगों ने पढ़ी है, वह सारे के सारे अपन किस में देखते हैं, केमिस्ट्री में देखते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनकी डिटेल आपको जो आपके लेक्चरर है फिजिक्स और केमिस्ट्री के वह सर बताएंगे। थर्ड जो है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जिसे मुख्य रूप से अपन क्या कहते हैं, जीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। यानी कि अपन कहेंगे साइंस की वह शाखा जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब यह जो बायोलॉजी है उसी को मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं बायोलॉजी है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से दो वर्डों से मिलकर बना है, बायो और लोगोस। बायो का मतलब क्या होता है, जीव। बायो का मतलब क्या होता है, जीव। और लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। तो दोनों को अगर अपन जोड़ें तो क्या होता है, जीव का अध्ययन, यानी कि जीव या जीवों का जो अध्ययन होता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है, अपने बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवों का जो अध्ययन होता है वह बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में अगर बात आती है अपने बायोलॉजी की कि इसके अंदर जीवों वगैरह का अध्ययन किया जाता है, इसके साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि जो वनस्पतियां वगैरह होती है उनका अध्ययन होता है, अपने शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, तो उन सबके लिए कोई ना कोई क्या बनी हुई है, एक मुख्य ब्रांच जो है वह बनी हुई है जिनका अध्ययन अपन आगे करेंगे। तो यहां पर जो बायोलॉजी जो अपन मानते हैं, बायोलॉजी यानी कि बायो प्लस लोगोज यानी कि जीवों का अध्ययन करना, यह क्या होता है, बायोलॉजी है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया कौन था, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी या इसके जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी या अपन कहेंगे कि इसके मुख्य रूप से जनक है, कौन है। तो इसके जनक की अगर मैं यहां पर बात करूं ना आपसे, तो जनक के लिए मुख्य रूप से अपन देखेंगे कि एक नाम सुना होगा आपने अरस्तु, एक नाम सुना होगा मुख्य रूप से अरस्तु। अरस्तु को अपन क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी की संज्ञा दी गई है, यानी कि जीव विज्ञान का जनक या पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को अपने कहते हैं। इसी ने सबसे पहले दुनिया को बताया था किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में, यानी कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। वह सारी बातें किसने बताई थी, अरस्तु ने बताई थी। फिर इसके पश्चात अपन देखते हैं कि जो अपने बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है, कि जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसकी दो मुख्य ब्रांच अपन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं अपन जूलॉजी और एक क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बोटनी के बारे में अपन पढ़ते हैं। जैसा कि बायोलॉजी को तो अपन क्या कहते हैं, हिंदी देखें तो जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जूलॉजी जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। और बोटनी जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से अपने जानते हैं। क्या जानते हैं,
वनस्पति विज्ञान के नाम से अपन इसे जानते हैं। अब देखिए यहां पर कि जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान ये दो मुख्य शाखा किसकी, बायोलॉजी की। बायोलॉजी का जनक मैंने आपको बताया था कौन है, अरस्तु। अरस्तु क्या है, जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। जूलॉजी का जनक कौन है, जूलॉजी का जनक भी अगर अपने से पूछे तो वही है अरस्तु। जूलॉजी का जनक भी कौन है, अरस्तु ही है। और बोटनी का अगर जनक पूछे तो ध्यान रखना थियोफ्रेट्स, थियोफ्रेट्स इसे अपन क्या मानते हैं, बोटनी का जनक यानी कि फादर ऑफ बोटनी की संज्ञा इसे दी गई है, फादर ऑफ बोटनी के नाम से अपन इसे जानते हैं। अब थियोफ्रेट्स और अरस्तु में क्या होता है, एक संबंध है। अरस्तु क्या है, गुरु है, इसका गुरु है, थियोफ्रेट्स का गुरु होता है, थियोफ्रेट्स के गुरु है। तो अपन मानते हैं कि अरस्तु का शिष्य कौन है, थियोफ्रेट्स है। अरस्तु का शिष्य कौन है, थियोफ्रेट्स है, जिसे किसका जनक कहा जाता है, बोटनी का जनक कहा जाता है। तो गुरु को तो कहा जाता है जूलॉजी का जनक, और उसका जो शिष्य है थियोफ्रेट्स उसे किसका जनक कहा जाता है, बोटनी का जनक कहा जाता है। अब यहां पर अपन देखेंगे जैसे बायोलॉजी के अंदर अपन ने बताया था कि जीव जंतुओं का अध्ययन वगैरह किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, वह बायोलॉजी है। तो जूलॉजी और बोटनी में अपन क्या करते हैं, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है जंतु विज्ञान, यहां पर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, जंतु विज्ञान लिखा है, यानी कि किसका अध्ययन हो रहा है, जंतुओं का अध्ययन हो रहा है। यानी पहले बायोलॉजी के लिए मैं क्या कह रहा था, साइंस या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीव जंतु जीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी है। लेकिन जूलॉजी के लिए मैं अब क्या कहूंगा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन हो रहा है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वह क्या है, जूलॉजी है। अपन भी क्या है, एक जीव है, गाय भैंस बकरी वगैरह वो भी क्या है, एक जीव है, एनिमल सारे जीव है। तो अपना जो अध्ययन होता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है, जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब अपन कहेंगे कि अपना अध्ययन कैसे सर, तो अपना अध्ययन का मतलब है अपने शरीर की जो सारी रिएक्शंस वगैरह होती है, किस प्रकार से अपनी बॉडी का निर्माण हुआ है, वह सारा जो अध्ययन होता है वह किसके अंतर्गत होता है, इसी जूलॉजी के अंतर्गत होता है। जैसे अपन अपनी बॉडी के बारे में पूरा पढ़ते हैं कि अपना जो शरीर का जो कंकाल है वह किस प्रकार से निर्मित है, शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, शरीर में कौन कौन से सिस्टम जो होते हैं कार्य करते हैं, कितने प्रकार के अंग होते हैं, कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं, किस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है, किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, तो वह सारा जो अध्ययन होता है ना स्टूडेंट्स, वह किसके अंतर्गत होता है, जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यह समझ लीजिए कि जीव जंतु के शरीर से संबंधित सारी जो क्रियाएं होगी वह सब किसमें देखेंगे, जूलॉजी के अंतर्गत देखने को मिलती है, या जीव जंतु से संबंधित सारे वर्क जूलॉजी में देखने को मिलते हैं। अब दूसरी जो ब्रांच है वह क्या है, बोटनी, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके जनक की बात होता कि थियोफ्रेट्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखिए यहां पर क्या आ रहा है, वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, वनस्पति का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पेड़ पौधे। तो बायोलॉजी की वह ब्रांच या शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान या बोटनी के नाम से जानते हैं। और फादर ऑफ बोटनी कौन है, थियोफ्रेट्स है। तो ये दो मुख्य ब्रांच अपने को देखने को मिलती है बायोलॉजी की। अब यहां पर जो तीसरी ब्रांच में आपको बताने जा रहा हूं वह जो अपने थोड़ी सी चर्चा करेंगे वह क्या, अपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी, वह अपन क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसे अपन कृषि जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, कृषि जीव विज्ञान के नाम से अपन जानते हैं। और वर्तमान में इसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि आगे चलकर इसको बहुत ज्यादा है और 100% सफलता भी मिलती है। तो कृषि जीव विज्ञान, अब कृषि से संबंधित जो जीव विज्ञान होता है,
कृषि से संबंधित जो बायोलॉजी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एजी बायोलॉजी, एजी बायो कहा जाता है। आज से लगभग अपन देखते थे दोस्तों कि 4 से 5 साल पहले जो बायोलॉजी साइंस के स्टूडेंट पढ़ते थे वही बायोलॉजी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। इसके साथ ही जो केमिस्ट्री होती थी जो साइंस के स्टूडेंट पढ़ते थे वही एजी वाले पढ़ते थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों से अपन देख रहे हैं, पिछले 4-5 सालों से अगर अपन देखें तो वहां पर जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है वह एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गई है, अलग हो गई है। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए अपन मानते हैं कि अलग बुक काम में ली गई है, क्योंकि इसमें किसको महत्व दिया गया है, कृषि को महत्व दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, बायोलॉजी की इस शाखा के अंदर कृषि से संबंधित सारे कार्य का अध्ययन होता है। कृषि से संबंधित अपन मान रहे जो भी जीव जंतु वगैरह होते हैं उनका अध्ययन होता है। इसके अलावा कृषि से संबंधित कीटनाशक वगैरह, रसायन वगैरह उनका अध्ययन होता है। किस फसल को किस समय बोना चाहिए, कैसा उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, किस प्रकार से अपन मान सकते हैं कि अच्छी लागत कमाई जा सकती है, वह जो सारा अध्ययन कृषि से संबंधित या अपन मान सकते हैं कृषि के इर्द गिर्द जो भी कार्य होते हैं उन सब का अध्ययन अपन किसमें करते हैं, कृषि जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो वो होती है अपनी एग्रीकल्चर बायोलॉजी होती है। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर साइंस में अपने को पढ़ना है तो मुख्य रूप से जूलॉजी, बॉटनी और एग्रीकल्चर यह अपने को देखने को मिलते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कौन से सब्जेक्ट में कौन सी शाखा है और किस प्रकार से अपने को चुनाव करना है। फिर यह कॉमन जानकारी मैंने आपको बताई है, क्योंकि इस समय साइंस से अगर अपन लेना चाहते फिर भी सोचते हैं बायो ले, एग्रीकल्चर ले या मैथ सब्जेक्ट ले, तो फिर भी दोबारा कहना चाहूंगा कि आपकी जिस सब्जेक्ट में पढ़ने में रुचि है वह सब्जेक्ट लीजिए। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, कुछ रोल मॉडल भी होते हैं, आइकन होते हैं, उनका एक सपना होता है, तो उसको भी पूरा करने के लिए आप जो भी कदम उठाएं उसमें पहले अपने परिवारजनों की राय लीजिए, अपने दोस्तों की राय लीजिए और साथ में जो आपके गुरुजन होते हैं जो हमेशा आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं उनसे भी राय आप लोग ले सकते हैं। कभी भी अपने परसेंटेज को देखकर सब्जेक्ट का चुनाव मत कीजिए। अगर कम परसेंटेज वाला है तो वह भी साइंस पढ़ सकता है, वह भी टॉपर कर सकता है और 100% सक्सेस हो सकता है। इसलिए कम सब्जेक्ट वाले को यह नहीं सोचना है कि भाई मेरे तो 50% ही आए, मैं क्या कर सकता हूं साइंस लेकर। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो साइंस पढ़ते हैं वो कोई अलग नहीं होते हैं, उनके सिर पर कोई सींग नहीं होते हैं, वो भी आप और हम जैसे में से ही होते हैं। जो डॉक्टर्स बनते हैं वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, इंजीनियर जो होते हैं वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उनके सुपरवाइजर अपन में से ही एक बनते हैं। इसलिए अपने को अपनी शक्ति को पहचानते हुए सब्जेक्ट का क्या करना है, चुनाव करना है। क्योंकि अपन जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे उस क्षेत्र के अंदर अगर निरंतर वर्क करेंगे, सही गाइडलाइंस लेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसलिए मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही बारीकी से कीजिए। तो ये नॉर्मल मेरे बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो था। आशा करता हूं कि वीडियो से थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर मेरे से किसी भी प्रकार की कोई हेल्प की आवश्यकता होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली आप मेरे से बातें कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अपन जो अपने सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर बायोलॉजी और बायोलॉजी के उनके लेसन्स चालू करेंगे। एग्रीकल्चर बायोलॉजी का भी प्रथम लेसन चालू किया जाएगा और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है उनका भी प्रथम लेसन चालू किया जाएगा। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।